Very warm welcome on an Academy Class 7 Standard channel. I hope you guys are doing very well and a very good afternoon to each one of you, those who are present here. So I hope you guys are doing well. So do let me know, people, I am audible and visible to everybody or not. Yes, everyone, do let me know this. I am perfectly audible and visible to each one of you or not. And yes, jaldi se bula do. तो हम स्टार्ट करें सेशन को विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड विद फुल ऑफ एनर्जी. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइबर टू फैब्रिक, है ना. फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं हम. सो कौन यहाँ पर है जल्दी जल्दी मुझे बता दो. हाय दिनेश, हाय पूजा, हैरे खोरा है. ओ माय गॉड, क्या बातें चल रही हैं, है ना. मैम के आने से पहले यहाँ पे क्या क्या बातें होती रहती हैं. हेलो प्रकाश, हाय हिमांशी, हिमांशी इज हियर, हाय ज्योति, ज्योति इज हियर. सो यस एवरीबॉडी डू जॉइन द सेशन वी आर गोइंग टू हैव हियर ऑल अबाउट एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग. क्विज नहीं होगी, क्विज तो नहीं होगी, एमसीक्यू होगा. क्विज टाइप एमसीक्यू है, ओके, क्विज टाइप एमसीक्यू है. लेट मी जस्ट लुक टू द होल थिंग कि व्हाट यू गाइस आर हैविंग टुडे इन द सेशन. यस, योर गाइस आर हैविंग टुडे अमेजिंग सेशन, बट लाइक आई एम श्योर यू गोना लव इट. हाय किड्स मस्ती, हाय बच्चे हिमांशी, हाय कृष्णा, हाय अर्कम, हेलो कृष्णा. चलो चलो फटाफट से आ जाओ यार, फटाफट से विदाउट एनी डिले सारे के सारे बच्चे आ जाएं. जितने बच्चे हैं डेली आते हो सेशंस में, आ जाओ फटाफट से. हम शुरू करने जा रहे हैं बढ़िया से अपना मजेदार एक सेशन जिसमें पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक के सारे सारे टॉपिक. ओके, हाय किड्स मस्ती, हाय कृष्णा, हेलो हेलो हेलो. सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चे पार्टी टू माय सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर. एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन अनअकैडमी क्लास 7 स्टैंडर्ड चैनल. सो लेट्स मूव अहेड. टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट फाइबर टू फैब्रिक, बट व्हाट वी डिड यस्टरडे, हमने कल सॉइल चैप्टर पढ़ा था. सो इफ यू गोना हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो उसमें, यू कैन गो थ्रू दैट चैप्टर. आपके सारे डाउट्स, सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है. गुड मॉर्निंग राखी. सो मेक श्योर कि आप वो सेशन एक बार जरूर से जरूर जाकर देखें, है ना. मेक श्योर कि एक बार वो सेशन आप जरूर से जरूर जाकर देखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. नेक्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन द सेशन, हमारा क्या क्या कॉन्टेंट होने वाला है सेशन का. तो वी आर हैविंग एमसीक्यू एंड फिलअप, देन वी आर हैविंग ट्रू फॉल्स, देन वी आर हैविंग मैच द फॉलोइंग. फिर हम पढ़ेंगे कि एनिमल फाइबर्स क्या क्या होते हैं, एनिमल जो कि वूल यील्ड करते हैं वो कौन से होते हैं, फाइबर से वूल तक की जर्नी को पढ़ना है हमें, और कैसे कैसे प्रोसेसिंग की जाती है फाइबर को वूल में, इसके बारे में भी. सो बहुत कुछ है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है यहाँ पर सेशन में. तो बस आपको एक काम करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना है ना. I am absolutely fine, kids must see. I am absolutely fine. आप लोग कैसे हो? Hi Anuj, कैसे हो आप लोग? Do let me know how are you people. Hi Janvi is here. Hi Janvi, good afternoon. I am absolutely fine. तुम कैसी हो? आप कैसे हो बच्चे? Hi Pragya, hi Anup, hi Anya, hi Pragya and Anya. Welcome to the session, children. So yes, my name is Prachi Singh. You everybody know. Welcome students on my class. I'm your science educator here and you everybody know about me. I have done my master in commerce. बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ मैं. I was an offline teacher also and now I switched towards online and I also worked as a roto artist. So this is about myself, right? I'm also fine. That's good. That's good. How are you? I'm absolutely fine, बच्चा. How are you? आप कैसे हो? This is my YT schedule, बच्चों. Unacademy 7th पे मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे 3 PM पर होती है. संडे को मेरी क्लास 10 AM पर होती है. सो मेक श्योर कि दीज डेज यू अटेंड माई क्लासेस. ऑनलाइन 6 to 8 पे आई एम हैविंग मंडे 1 PM क्लास, वेडनेसडे 12 PM क्लास. तो ये दोनों दिन मेरी क्लासेस होती है. मेक श्योर कि इन 3 दिन आप मुझसे जरूर मिलने हो ऑनलाइन पे भी. अनअकैडमी पे फ्राइडे सैटरडे 1 PM, 6 स्टैंडर्ड चैनल पे 1 PM होती है फ्राइडे एंड सैटरडे. तो मेक श्योर यू ऑल द क्यूट स्टूडेंट्स आउट देयर, आप मेरे ये सारी टाइमिंग पे सेशन जरूर अटेंड करें, राइट? यस, दैट्स गुड. ओके, योर नेम इज टू प्राची, दैट्स वेरी गुड. टू प्राचीज आर हियर, राइट? हाय बच्चा प्राची, हाय बच्चा अनुज, कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन बच्चे. सो यस,
इफ यू वॉन्ट टू हैव ऑल द अपडेट, अगर आपको चाहिए कि आपके जो फेवरेट एडुकेटर्स हैं उनके सारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे अप टू द टाइम, है ना, टाइम पे सारे अपडेट्स मिलेंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू हैव नोट्स ऑफ द सेशन, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द टीम, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को. ठीक है बच्चे, यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो देयर इज अ वेरी वेरी अमेजिंग फीचर इन अनअकैडमी, दैट्स अ आस्क डाउट फीचर, इन विच यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स. अपने जितने डाउट्स है ना, जाकर वहां पे पूछो और आपको सारे सोल्यूशन मिलने वाले, है ना. यू विल गेट ईच एंड एवरी सोल्यूशन देयर रिगार्डिंग योर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट. ठीक है, मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड जितने डाउट्स आपको होंगे ना, फटाफट से जाकर वहां पूछ लेना, सारे डाउट जरूर से जरूर क्लियर किए जाएंगे. तो मेक श्योर माई पीपल यू आर क्लियरिंग योर ऑल द डाउट्स देयर. पढ़ाई करो, पहले क्या करो, सेशंस में पढ़ो, ठीक है, पहले सेशंस में पढ़ो, फिर घर पर भी पढ़ाई करो, ठीक है, फिर घर पर भी पढ़ाई करो, फिर जितने डाउट्स हैं आओ अनअकैडमी ऐप पर और वहां पे उन डाउट्स को क्लियर करो. ठीक है, चलो. यस, हाय बच्चे, सोनिया यू आर हियर, हाय मोनी, हाय बच्चे. देखो अनुज, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस. ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो कि आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता, तो डोंट आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, है उसका कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है बच्चे, सो यस, व्हाट स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. Step one is you just have to go and click on the ask doubt. Then you have to follow the second step, जिसमें आपको picture लेनी होगी या फिर उसको gallery से choose करनी होगी. If you already have, you know, clicked the picture, then you choose it from gallery and then just, you know, when you send that picture, make sure you have cropped it to the point where you the question is. आप point तक उसको crop कर लो, because अननेसेसरली कुछ भी मत सेंड करो, जो क्वेश्चन आपको पूछना है वही सेंड करो. एंड देन जस्ट चूज द सब्जेक्ट, इट्स बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस. ठीक है, मैथ्स और साइंस में आपको चूज करना होगा सब्जेक्ट, चूज दैट एंड देन सिट रिलैक्स, बी रिलैक्स्ड, है ना. यू विल गेट द सोल्यूशन देयर आफ्टर वन आवर और आफ्टर सम आवर, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव हैव द सोल्यूशन देयर. सो बी मेक श्योर कि आप लोग आराम से वहां पे डाउट अपने सारे क्लियर कर लो. आपको जरूर से जरूर वहां पे सारे डाउट्स तो क्लियर ही होंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी, है ना. हाय बेटा अनन्या, है प्लीसी, हेलो. हाय पुष्पांजलि, हेलो. देखो आई रिमेम्बर योर नेम. सो 17 स्टूडेंट्स आर देयर एंड लाइक कम क्यों है, फटाफट से लाइक बढ़ा दो, है ना, जल्दी से लाइक करो. Yes, I'm speaking loudly, Rakhi, bachche, I'm speaking loudly. Hi, Amit. So, there is a one special news for all of you. If you want, you know, if you know somebody who is in love, who is passionate about teaching, and yes, they want to do online teaching, so you can tell them that An Academy is looking for that person who is passionate about teaching and who really, you know, think he or she can pursue her career in teaching. So, aap unko is link ko share kar sakte ho, jo aapko description box mein di gayi hai. ठीक है, जहां से आप अपना टेलीग्राम लिंक ले रहे हो वहीं पे आपको फिनिक्स करके एक लिंक मिलेगा, जाकर वो लिंक अपने सारे सारे यू नो रिलेटिव्स और सारे सिबलिंग्स में सेंड कर दो. दोज़ हू वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, इफ दे गेट चांस देन दे विल गेट ऑल द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, देन दे आर गोइंग टू टीच यू ऑन एन अकेडमी. ठीक है बच्चे, सो डू दिस फेवर टू दोज पर्सन हू रियली वॉन्ट्स टू डू टीचिंग ऑनलाइन, जल्दी से जाकर इस लिंक को सेंड कर दो. So let's move on to the main thing, and that is our session about fiber to fabric. है ना? तो चलो जल्दी से आ जाओ. कर दिया मैम लाइक, वेरी गुड. हाय अंशिका, हाय हाय, हेलो अनन्या, अनन्या आ गई, दैट्स गुड. ऋषि इज ऑल्सो हियर, हेलो 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 बच्चे, हाय हाय अनन्या, ऋषि इज ऑल्सो हियर, एवरीबडी इज हियर. यस, जल्दी से करो. यस, हाय अनन्या, हेलो एवरीबॉडी, आ गए सभी के सभी लोग. सो डू गिव मी योयोस एंड थम्स अप, डू गिव मी योयोस एंड थम्स अप. यस, व्हाट हैपेंड प्रीति, व्हाई यू आर नॉट रेडी, जल्दी से बताओ, व्हाई यू आर नॉट रेडी पीपल फॉर द सेशन,
है ना, जल्दी से बताओ क्यों नहीं रेडी हो सेशन के लिए? क्या हो गया, क्या दिक्कत आन पड़ी अनन्या को? आई एम नॉट फाइंडिंग एनीबडी फ्रॉम सेवन यूयोस हियर। यस, बी एक्साइटेड, बी एंथुसियास्टिक यार, ऐसे ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती ना, बिल्कुल। यस सी अनन्या, राखी, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। ओ योर एग्जाम इज फिनिश्ड टुडे, इट वाज संस्कृत, वेरी गुड। कैसा हुआ संस्कृत एग्जाम? हाय हिमांशी, हेलो संजय, वेरी गुड। ओके, एवरीवन इज रेडी, सो लेट्स मूव अहेड। वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट एमसीक्यू। पहले हम करने वाले हैं एमसीक्यू, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस, जिसे आप क्या बोलते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हो। तो जिन बच्चों को दिक्कत है एमसीक्यू क्या होता है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट? सो हम अभी करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो लेट्स मूव अहेड। So let's start the session. Let's begin. Yo, everybody is ready? Girls, yo, thumbs up. Everyone is ready now? Chalo. So let's begin the session. सबसे first question आ चुका है आपकी screen पर. So come on, everyone, answer it. चलो फटाफट से answer करो. Which one of the following is not a breed of sheep? Breed पूछी गई है. Okay, I got the answer from Ananya, Pragya, सबसे पहले मुझे आंसर ज्योति ने सही दिया है, ज्योति का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, बाकी मुझे किसी का आंसर सही नहीं दिख रहा. फिर कृष्णा का आंसर सही आ चुका है. यस, कृष्णा ने आंसर सही दिया, ज्योति ने आंसर सही दिया, किड्स मस्ती का आंसर करेक्ट आ गया, किड्स मस्ती ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, अर्कम का आंसर सही आया है, वेरी गुड, एंड देन अनन्या का आंसर सही आ चुका है, फिर प्रज्ञा ने आंसर सही किया, यस, एंड देन हिमांशी का आंसर सही था, ठीक है? सो दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दिया है. बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ शिप? शिप की ब्रीड नहीं है. कौन सी नहीं है शिप की ब्रीड, है ना? शिप की ब्रीड कौन सी नहीं है, जल्दी से बताओ, कौन सी शिप की ब्रीड नहीं है? तो शिप की मुर्रा ब्रीड नहीं होती. ये किसमें होती है? दिस इज ऑन बफेलो. ये बफेलो में होती है, ठीक है? ये ब्रीड बफेलो की है, ना कि आपकी शिप की. बाकी मारवाड़ी, लोही, नाली, ये तीनों की तीनों ब्रीड्स होती हैं शिप की. अभी मैं आपको इसी सेशन में दिखाऊंगी, ठीक है? सो ए वाज द राइट आंसर. नॉट पूछा गया था बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? क्लियर? चलो क्लियर हो गया ना सभी को? यस जानवी, यू आर करेक्ट. जानवी, प्रज्ञा, कृष्णा, किड्स मस्ती एंड अर्काम, ज्योति, अनन्या, हिमांशी, यू गाइज आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज मुर्रा. ओके, चलो. हाय अदिति, हेलो. हाय बच्चे अदिति, हाउ आर यू? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मेलबरी ट्री. हाय छवि, हाय आदिति, चलो फटाफट से लाइक करते चलो यार, लाइक भी करते चलो सेशन को. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एटलीस्ट ईच क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइक तो बढ़ जाने चाहिए, है ना? सो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मेलबरी ट्री? मेलबरी ट्री का क्या है? प्रज्ञा का आंसर आ चुका है सबसे पहले, देन छवि, देन ज्योति. प्रज्ञा, छवि, ज्योति, छवि, ज्योति. हाय आदिति, देन अनन्या, देन जानवी, किड्स मस्ती, देन अंशिका, देन हिमांशी, देन अर्कम, देन अदिति, ठीक है? इतने बच्चों ने आंसर कर दिया है, अदिति, कृष्णा एंड राखी. सो What will be the correct scientific name of Mulberry? Yes, Shavi, certificate is there, bacha. Definitely certificate is there. The correct answer is Morus alba. Okay, Morus alba is the correct answer. Yes, Aditi, Krishna, Pragya,
छवि, ज्योति सभी बच्चे यू आर करेक्ट। आपको मेलिबरी ट्री का नाम पूछा गया, दैट इज मोरस एल्बा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये पूछा गया है कि सिल्क कहाँ से डिराइव होता है, जल्दी से बताओ कहाँ से डिराइव होता है सिल्क। सिल्क कहाँ से डिराइव होता है ना, इसका मतलब है कि सिल्क को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में। ज्योति का आंसर आ गया, किड्स मस्ती का आंसर आ चुका है, देन जानवी का आंसर आ गया, अंशिका का आंसर आ चुका है, अर्कम का आंसर आ गया एंड अनन्या का आंसर आ चुका है। उसके बाद राखी का आंसर आ गया, राखी के बाद छवि, अदिति, प्रणव, छवि, अदिति एंड शक्ति का आंसर सही था, वेरी गुड। और हिमांशी का आंसर सही था। Somebody saying प्यूपा ऑल्सो, somebody saying प्यूपा ऑल्सो। हेलो सुभाष, हेलो, हाय बच्चे, गुड आफ्टरनून। सो हाँ भाई कृष्णा, डी सिल्क मोथ से ऑब्टेंड होता है। हाँ हाय गिटारिस्ट गेमर, ओके यू जस्ट जॉइन, हाय हाय हाय। चलो कम ऑन पीपल, लाइक द सेशन, है ना, हर कॉन्सेप्ट के बाद कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। सो बच्चे, अगर आपसे पूछा गया कहाँ से ऑब्टेन सिल्क की बात की गई थी, कुकोन से किया जाता है भाई साहब, कुकोन से। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकोन ऑफ सिल्क मोथ, कुकोन ऑफ सिल्क मोथ से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ए, नॉट डी, नॉट सी, नॉट बी। कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था। यस शिखर, ओके योर नेम शिखर, हाय शिखर, हेलो हेलो। सो दिस इज क्लियर, डू गिव मी थम्स अप, जल्दी से थम्स अप करो, थम्स अप कर दो इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। हाय शिखर, हेलो, यस, इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट देन डू डू गिव मी थम्स अप, डू गिव मी थम्स अप। यस जानवी इज क्लियर, किड्स मस्ती इज आल्सो क्लियर, हिमांशी का हो गया, वेरी गुड, अंशिका का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, है ना, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ बता दो बच्चों। तो फर्स्ट इट इज लाइक एग, ठीक है, वो टाइनी से ब्लैक जो कैटरपिलर्स होते हैं वो हैच करते हैं आउट ऑफ लेग। पहले सबसे स्टेप होता है, जो फीमेल मोथ होती है वो ले करती है छोटे छोटे एग्स, है ना, फिर वो एग्स क्या होते हैं, टाइनी से ब्लैक से कैटरपिलर हैच करते हैं उन एग्स के बाहर, देन दोस कैटरपिलर ईट्स मेलबरी लीव्स, जो मेलबरी ट्री होता है ना उनका वो क्या खाते हैं बेटा, लीव्स खाते हैं एंड देन दे ग्रो बिगर एंड बिगर, वो साइज में बड़े होते जाते हैं, दे ग्रो टू 4 मोल्स। ये जो 4 मोल्स हैं, ठीक है, ये 4 लार्वा के मोल्स में कन्वर्ट होते हैं, देन दे कन्वर्ट, देन कैटरपिलर क्या करते हैं, स्पिन करते हैं कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड देमसेल्फ। ये जो कैटरपिलर है वो कोकोन जो है ना, दैट जो है स्पिन्स सिल्क थ्रेड्स अराउंड देमसेल्फ एंड उसके बाद इनसाइड द कोकोन कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा। तो कैटरपिलर के अंदर, मतलब जो कुकोन है उसके अंदर कैटरपिलर प्यूपा में बदलता है, देन फिर 2 स्टेजेस में दे गेट डिवाइडेड। ठीक है, प्यूपा क्या करता है बेटा, 2 स्टेजेस में डिवाइड करता है एडल्ट में, है ना, प्यूपा जो होता है वो सिल्क मोथ में चेंज हो जाता है एंड देन सिल्क मोथ केम आउट ऑफ दी कुकोन। ठीक है, वो कुकोन में बदल जाते हैं एंड जो सेकेंड होते हैं तो पीपल अनवाइंड दी सिल्क थ्रेड, सेकेंड जो मैं बता रही हूँ आपको, देन उसमें क्या होता है बेटा, जो पीपल इंसान होते हैं दे अनवाइंड दी सिल्क थ्रेड फ्रॉम दैट कुकोन टू वीव इनटू सिल्क क्लोथ, है ना, सिल्क क्लोथ में वीव करने के लिए क्या करते हैं वो इस स्टेज के बाद, यानी कि जब उनकी प्यूपा स्टेज के बाद होता क्या है, एक तरफ वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, एक तरफ उनके में जो सिल्क लगी होती है ना उसको वीव करने के लिए वो उससे बाहर निकालते हैं उसको। ठीक है, देन दैट एडल्ट मोथ मेट विद ईच अदर एंड देन फिर वो ले करते हैं एग। तो इसी तरह होल
होल जो है लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ की क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है ना, इट गोज ऑन एंड गोज ऑन। ये समझ में आ गया, एग से लार्वा, लार्वा से कुकोन, कुकोन से सिल्क मोथ, है ना, एडल्ट मोथ में कन्वर्ट। ठीक है बच्चे, ओके समझ में आ गया, क्लियर सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना बच्चे, सब बड़ी सेम कि मैम वॉइस लो है, सो माई वॉइस इज लो और एवरीबडी, मतलब सबके लिए इज इट ओके, जल्दी से बताओ, हाँ इज इट क्लियर, लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, आपको बताना है सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या प्रोसेस है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किस चीज का प्रोसेस है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यस डी आंसर आ रहा है, ओके डी आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे आंसर आया अनन्या से, अनन्या के बाद न, अनन्या के बाद जानवी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जानवी के बाद अर्कम का आंसर करेक्ट आया है, अर्कम के बाद लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर, है ना, सो दैट इट विल बी विजिबल टू एवरीबडी, हिमांशी योर आंसर इज रॉन्ग, अनन्या योर आंसर इज करेक्ट, अदिति योर आंसर इज राइट, अदिति का आंसर करेक्ट है, आन्या का आंसर करेक्ट है, अनन्या का, आई एम सॉरी, अनन्या का आंसर करेक्ट है, एंड देन अर्कम का आंसर इज राइट, हिमांशी आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो बच्चे, हिमांशी एंड प्रज्ञा एंड छवि एंड राखी, सुभाष का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट कृष्णा, सो द करेक्ट आंसर इज यू सेलेक्ट द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू, इसका बेसिकली मतलब है जो पेरेंट्स होते हैं दे सेलेक्ट अ काइंड ऑफ यू नो फीचर, अ काइंड ऑफ कैरेक्टर, अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर ऑफस्प्रिंग, है ना, वो अपने ऑफस्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी हो गया या उसे कैरेक्टर कह लो, फीचर कह लो, दे सेलेक्ट दैट कि उनके फाइन हेयर्स होने चाहिए या कोर्स बियर्ड हेयर होने चाहिए, वो सेलेक्ट करते हैं और उसी को हम कहते हैं बेटा सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, सो देख लो ये होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यू कैन से दिस इज क्या है, ये आपके कोर्स बियर्ड हेयर है, ये क्या है, कोर्स बियर्ड हेयर है, फाइन अंडर हेयर्स इसके अंदर होते हैं, दैट इज यू नो द लेयर विच इज अप टू स्क्रीन, है ना, स्किन सॉरी, वो स्किन से जो स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं दैट इज फाइन हेयर्स, और ये प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स विल सेलेक्ट अ काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, जैसे कि सॉफ्ट हेयर हो गया, कोर्स बियर्ड हेयर हो गया, वट एवर इज द फीचर, वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि उनका जो बच्चा, उनका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ये फीचर होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, हाय महरोज, हाय बच्चा, हाय लजीना, हाय बच्चे, वेलकम टू द सेशन, गुड गुड आफ्टरनून, सो क्लियर है, मेरे को थम्स अप दे दो, अगर क्लियर है ना तो बता दो मुझे जल्दी से कि यस मैम दिस इज क्लियर, जल्दी से बता दो यस मैम दिस इज क्लियर, फटाफट से बता दो क्लियर है या नहीं, यस मैम, आदिति को ही क्लियर है, ओनली आदिति, नोबडी एल्स, ओके नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स, ओके दैट्स गुड, दैट्स कूल 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 बच्चे, चलो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल प्रोसेस, यस एवरीबॉडी, चलो वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, दैट्स वेरी नाइस, हाय आलिया, हाय आलिया, हेलो आलिया, खाना खा लिया बताओ आलिया, हैव यू डन योर लंच, हाँ यस दैट्स गुड, हिमांशी क्लियर, वेरी नाइस, सो यू हैव टू टेल मी द जर्नल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द शिप शेयरिंग शेड इज, ओके छवि का आंसर आ गया, छवि का आंसर आ चुका है, देन ज्योति का आंसर आ चुका है, अर्कम का आंसर आ चुका है, अंशिका का आंसर आ चुका है, देन जानवी का आंसर आ चुका, कृष्णा प्रज्ञा, कृष्णा प्रज्ञा किड्स मस्ती,
किड्स मस्ती का आंसर आ चुका है, सुभाष का आंसर आ गया, राखी का आंसर आ चुका, महरोज का आंसर आ गया, अदिति का आंसर आ चुका है। यस वेरी गुड, एवरीबडी इज राइट, सो गुड, यस वेरी नाइस। सो लेट सी पीपल द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज रिमूव। तो जो भी जर्नल प्रोसेस होती है शिप का, शिप में क्या होता है, शिप से क्या ऑब्टेन करते हैं हम, शिप से ऑब्टेन करते हैं वूल। सो वूल का एक अपना प्रोसेस होता है जब उसको शेड किया जाता है। सो उसके बाद शेडिंग में जो प्रोसेस है, शेडिंग का जो जर्नल प्रोसेस है, दैट इज रिमूवल ऑफ फ्लीश, और फ्लीश को ही हम हेयर्स कहते हैं। इन नॉर्मल लैंग्वेज वी से देम हेयर्स, ऐसे उनको बोलते हैं फ्लीश। Hair is also termed as fleece. तो ये समझ लो, ठीक है बच्चों, प्लीज में कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ बच्चे, अनन्या आपने भी आंसर किया था, आई एम सो सॉरी, चैट ऊपर चलती चली गई तो मैं नहीं देख पाई, ठीक है। हाउ मच यू आर लेट मेहरोज, यू आर ओनली 29 मिनट्स लेट, ठीक है। हाई आयुषी, हेलो 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 हेलो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is not a type of silk. तो इसमें से आपको type of silk कौन सा नहीं है बताना है, जल्दी से बताओ। इसमें से you have to tell me which is not the type of silk, है ना, ये कौन सा silk का type नहीं है ये बताना है। आयुषी का आंसर आ गया, आयुषी का आंसर आ गया, राखी का आंसर आ गया, महरोज का आंसर आ चुका है, किड्स मस्ती का आंसर आ गया, फिर ज्योति और जानवी ने आंसर कर दिया, ज्योति जानवी छवि का आंसर आ चुका है, आयुषी राखी अंशिका ने आंसर कर दिया, राखी अंशिका का आंसर आ गया, अर्कम ने आंसर कर दिया, अनन्या का आंसर आ गया, एंड देन प्रज्ञा का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है, अदिति, सुभाष, कृष्णा, अनन्या, पाकिजा, वेरी गुड आदिति, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू हैव आंसर्ड इट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा टाइप ऑफ सिल्क नहीं है, है ना, कौन सा टाइप ऑफ सिल्क नहीं है। तो बच्चे कौन सा टाइप ऑफ सिल्क नहीं है मुझे बताना, कौन सा टाइप ऑफ सिल्क नहीं है। यस हिमांशी का आंसर आ चुका है, हिमांशी, पाकिजा, है ना, सुभाष, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज सिल्क, डी मोथ सिल्क, क्या आंसर होगा, मोथ सिल्क होगा, क्योंकि आपने नाम सुना है, मलबरी सिल्क भी है, तसर सिल्क भी होता है, और मूंगा सिल्क भी होता है, सिर्फ एक नहीं होता है, दैट इज मोथ, दैट इज अ सिल्क मोथ, जिससे कुकून, है ना, समझ रहे हो, कोकोन ऑफ सिल्क मोथ होता है, उससे हम क्या ऑप्टेन करते हैं, सिल्क ऑप्टेन करते हैं, ना कि वो टाइप ऑफ सिल्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, आपको बताना है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क क्या होगा, समझ गए टीचर, दैट्स गुड महरोज, दैट्स गुड। चलो, rearing of silkworm for obtaining silk क्या कहा जाता है? Question 7 का answer, राखी, छवि, ज्योति, जानवी, अर्कम, प्रज्ञा, सुभाष, सिड, आदिति, अनन्या, राखी, सबने आंसर कर दिया, कृष्णा, आदिति, अनन्या, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, यस, कीप ऑन कमेंटिंग द आंसर, कीप ऑन कमेंटिंग द करेक्ट आंसर्स हियर, कि करेक्ट करेक्ट आंसर्स क्या हैं आपके, जल्दी से मुझे बताते रहो। यस डॉक्टर सिड, अनन्या, आदिति, यस, सो एवरीबॉडी द करेक्ट आंसर इज सी, सेरीकल्चर। आपको पता है जो सिल्क होते हैं उनकी रियरिंग करना, रियरिंग मतलब पालन पोषण करना, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं
सेरीकल्चर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। हाय राजपूत, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? हेलो बच्चे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? यस, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, सेरीकल्चर। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू टेल मी, सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन किया जाता है? यस जानवी, करेक्ट बच्चा। अदिति, हिमांशी, राजपूत, बिल्कुल सही है। चलो अभी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। छवि ने आंसर दे दिया, ज्योति का आंसर आ गया, अनन्या का आंसर आ चुका है, अर्कम ने आंसर कर दिया, हिमांशी ने आंसर कर दिया, सुभाष का आंसर आ गया, पाकीजा का आंसर आ चुका है, महरोज ने आंसर कर दिया, प्रज्ञा का आंसर आ गया। वेरी गुड, एंड वेरी गुड श्री लक्ष्मी, ज्योति, अग्रिमा। ओके, यू आर अग्रिमा, ठीक है अग्रिमा। वेरी गुड सिड, कृष्णा, हाय अग्रिमा, हेलो 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 अग्रिमा, हेलो, वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी, दोज हु आर ज्वाइनिंग नाउ, अ वेरी वार्म वेलकम बच्चों। फटाफट से आंसर में आप भी लोग पार्टिसिपेट करो, आंसर करते रहो कि सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेंड होता है? फ्लीश ऑफ शिप, कॉटन बॉल, कुकोन या साइनी जूट स्टैक से होता है? जल्दी से बताओ, आपको पता है ना हमारे नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? जल्दी से आंसर करो, कोई बताओ फटाफट से, नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? कौन आंसर करेगा मुझे? नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? हाँ, नाउ आई गेट इट, वो कुकोन से ऑब्टेन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू। ओ आदर्श, यू आर न्यू टू द क्लास, हाय आदर्श, आई होप यू लाइक दिस सेशन। हाय किशोर, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। यस, टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर, ठीक है। कॉटन वूल तो सब कैटेगरीज है बच्चों, उसके पहले मैंने क्या पूछा, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नेचुरल फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लांट, सेकेंड वन इज एनिमल। अभी प्लांट के भी सब टाइप है, प्लांट में एक ऑब्टेंड होता है किससे? कॉटन, और एक होता है जूट। एक क्या होता है? कॉटन, दूसरा जूट। कॉटन में, कॉटन रेनी सीजन में, सॉरी कॉटन में क्या होता है बेटा? दे नीड वार्म क्लाइमेट, कॉटन को वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, राइट? दे ग्रो इन ब्लैक सॉयल, वो किस में ग्रो करते हैं? ब्लैक सॉयल में ग्रो करते हैं। हाय सताक्षी, एंड उनको क्या चाहिए होता है? दे नीड वार्म क्लाइमेट, उनका जो वो ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन वार्म क्लाइमेट। सेकेंड, वो अपना जो कॉटन बॉल्स होता है ना, जो कॉटन फ्रूट कहो या उसे कॉटन बॉल कहो, वो उससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको हम कॉटन बॉल्स या कॉटन फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जूट की बात की जाए तो जूट कैसे ऑब्टेन होता है? दे ऑब्टेन्ड इन रेनी सीजन, है ना, दे ग्रो इन रेनी सीजन, दे ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, प्लांट का जो स्टेम होता है उससे वो ऑब्टेन किए जाते हैं। कहाँ कहाँ बेसिकली ये ग्रो करते हैं? असम में, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। हाय सचिन, ओके, योर नेम इज सचिन, दैट्स गुड। सो वो कहाँ कहाँ ऑब्टेन किए जाते हैं? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल। इतना क्लियर हुआ, आंसर वाज कोकोन, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून यथार्थ, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू गाइस? जल्दी से बताओ, दोज ओ यू आर फ्रॉम असम, पाकिस्तान, दैट्स वेरी गुड। चलो नाउ यू हैव टू आंसर, वुल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे वुल फाइबर नहीं ऑब्टेन किया जा सकता? क्लियर हुआ? देखो एक क्वेश्चन से कितनी एक्स्ट्रा चीजें हम सीख सकते हैं। वेरी गुड मोद से, जल्दी से आंसर, ज्योति का आ चुका है, ज्योति, अर्का, अनन्या, अनन्या एंड किस मस्ती, प्रज्ञा, किड्स मस्ती, प्रज्ञा, महरोज, जानवी, हिमांशी, सुभाष, राखी, कृष्णा,
अदिति, वेरी गुड। सो पीपल यू हैव आंसर इट करेक्ट, है ना, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है एंड आई थिंक यू ऑल आर द करेक्ट वन। उस मोथ से हम नहीं ऑप्टेन कर सकते, वुल हम गोट से ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अल्पाका एंड लामा आर दी यू नो गोट्स नेम, शिप नेम, बेसिकली शिप का नाम है ये जिससे वुल ऑप्टेन किया जाता है अमेरिका में, ठीक है, क्लियर। सो सिल्क मोथ इज द करेक्ट आंसर, यस सचिन यू आल्सो, ठीक है, यस योर नेम इज आल्सो देयर, छवीज नेम इज नॉट देयर, सो छवी इज आंसरिंग कॉन्स्टेंटली, छवी यू आर आल्सो देयर, कृष्णा आपका नाम इज हियर, ठीक है, अनन्या एंड कृष्णा एवरीबॉडीज नेम इज हियर, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड व्हिच इज एनिमल्स कौन कौन से वुल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, अभी आप लोग भी मेरे को बताते रहो। अरे अंशिका आई एम सो सॉरी बच्चा, लिख दिया आपका नाम, आई एम सो सॉरी बच्चे, हो जाता है कभी कभी, चैट बहुत जल्दी ऊपर जाती है तो मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ किसी किसी का नाम, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो नाउ आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द एनिमल्स दोस हु यील्ड वूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले याक वूल आते हैं जो कि तिब्बत और लद्दाख में होते हैं, ठीक है, याक वूल तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। देन देयर इज अ गोट नेम मोहेर अंगोरा गोट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। हाय भुवाना, हाय बच्चे, हाय भुवाना, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस सेशन। वुल आप जो ऑब्टेन हमारे यहाँ होता है दैट इज फ्रॉम गोट हेयर एंड शिप हेयर, है ना, गोट और शिप से होता है। जो फर होते हैं कश्मीरी गोट के उनको शॉल में वूव किया जाता है, ये जिसे हम कहते हैं पश्मीना शॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल बोलते हैं, ठीक है। एंड अल्पाका एंड लामा आर द नेम ऑफ शिप दोज हु फाइंड इन साउथ अमेरिका, ये कहाँ पर, दीज फाइंड इन साउथ अमेरिका, दीज आर इन साउथ अमेरिका, ठीक है, क्लियर हुआ। हाय आदर्श, हेलो, हाय प्रशांत, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से लाइक कर दो सभी सेशन को। सो ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन, ऐसे एनिमल्स में जिन जो वूल यील्ड करते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो जल्दी से। यस श्री लक्ष्मी, प्रशांत, छवि, अदिति, अंशिका, कोई बच्चे किसी को कंफ्यूजन है फटाफट से बता दो। जम्मू एंड कश्मीर से हो, ओके किड्स मस्ती, दैट्स गुड। चलो बहुत लोग अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, ये चीज बड़ी अच्छी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, डिफरेंट प्लेसेस से इंसान जुड़ता है और हम एक ही जगह होकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वेरी नाइस ना, यस ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ, वेरी गुड। प्रशांत इज फ्रॉम कानपुर, अरे आप तो मेरे पास के ही हो, चलो जल्दी से बताओ, आर यू गाइज रेडी फॉर मैच द फॉलोइंग, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट डू गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइज आर रेडी एंड इफ यू गाइज आर रेडी लाइक द सेशन, डू हिट लाइक द सेशन। चलो फटाफट से बताओ, आर यू ऑल रेडी, सभी लोग रेडी हो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, एवरी वन इज रेडी और नॉट, यस। वाराणसी से, दैट्स वेरी गुड सताक्षी, दैट्स वेरी गुड, एवरी वन इज रेडी, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो लेट्स बिगिन द मैच द फॉलोइंग एंड यू आर हैविंग हियर 5 मिनट, 5 मिनट है, जल्दी से मैच द फॉलोइंग कर लो, है ना, यू आर हैविंग 5 मिनट, आराम से मैच द फॉलोइंग करो। आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ डूइंग, ठीक है, 5 मिनट बाद फिर आप लोग ब्रेक टाइम बताना तो मैं क्या करूंगी, then I will tell you the answers. Chalo. Yes, Himanshi and everybody, do start giving me the answers. First ka fifth hai. ठीक है. First ka E बता रहे हैं अर्कम, जानवी and Ananya and Chavi. Very good. Bye bye Aditi. Have a nice day, बच्चे. Very good. पाकिजा का भी आंसर ई है, ज्योति ने भी ई बता रही है, अंशिका भी ई बता रही है, हाय तमन्ना, हेलो, गुड आफ्टरनून, यस अलकम, किस्मती, वेरी गुड, कृष्णा, श्री लक्ष्मी, वेरी नाइस, फर्स्ट का फिफ्थ बता रहे हो, दैट्स गुड, हाय तमन्ना, हेलो बच्चे,
अभी देखो इसे इट्स 3:42 है ना, मैं 3:48 पे एंड करूंगी, ठीक है? तब तक आंसर दे लो आराम से। सेकंड का बी बता रहे हैं बच्चे, सेकंड का सी बता रही है प्रज्ञा, फर्स्ट का ई, सेकंड का सी सुभाष, ऋषिका बी, महरोज सी, ओके, राखी सी, कृष्णा सेन सी, थर्ड का बी राखी बता रही है, प्रज्ञा बी बता रही है थर्ड का, ओके, थर्ड का डी बता रहे हैं प्रशांत, प्रज्ञा थर्ड का बी, पाकिजा सेन थर्ड का बी, ओके, सेकंड का सी थर्ड का बी अनन्या बता रही है, रसूलाबाद की हो आप प्रशांत, ओके, सेकंड का सी, ठीक है। हाँ, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, पीपल आई हैव रिटन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी आपको फोर्थ और फिफ्थ का आंसर करना है। यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, आंसर इट विद योर कन्वीनियंट, जस्ट आंसर इट विद योर चॉइस, किसी और के आंसर से मत आंसर देना बच्चों, ठीक है? फोर्थ का डी मुझे बता रहे हैं अर्कम, सुभाष फोर्थ का बी बता रहे हैं, ओके, फोर्थ का सी आंसर कर रही है ऋषिका, फोर्थ का सी आंसर कर रहे हैं, ओके, कृष्णा इज आंसरिंग डी, बी आंसर कर रही है अंशिका, फिफ्थ का ए आंसर कर रही है, ओके, फिफ्थ का ए, कंचन भी आंसर कर चुकी, फिफ्थ का ए, प्रकाश भी, हिमांशी का भी आंसर आ गया, छवि ने भी आंसर कर दिया, सुभाष का भी आंसर आ चुका है, अनन्या का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सो जब एवरीबडी इज डन देन डू राइट मी ब्रेक टाइम या फिर मैम डन, ऐसे लिख दो, ब्रेक टाइम या डन लिख देना जब आपने सबने आंसर कर दिया हो, ठीक है? व्हेन यू फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स देन जस्ट टेल मी, ओके, फिर मुझे बताना, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। डन मैम, सताक्षी का डन हो चुका है, ब्रेक टाइम जानवी का हो गया, आई ज्वाइन डेली क्लास, यस प्रशांत आई नो यू ज्वाइन माई क्लासेस डेली, आई नो दैट बच्चा, ओके, अभी भी इफ यू आर अनसेटिस्फाइड यू कैन गिव मी द आंसर्स, दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन, नॉट एट ऑल एन इश्यू। ब्रेक टाइम कितने देर का प्रशांत? ब्रेक टाइम नहीं है, ब्रेक टाइम फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि मैं करेक्शन कर दूं आंसर्स का, है ना? ब्रेक टाइम इसलिए ताकि मैं करेक्शन करूं आंसर का, ठीक है? ओके, हाँ, तमन्ना फिफ्थ का ए लिख दिया बच्चे मैंने, डन, एवरीबडी इज डन नाउ, ओके, सो लेट्स मूव टू द राइट आंसर। एंड बिफोर मैंने आपको 3:48 का टाइम दिया था, बट यू गाइज आर वेरी ग्रेट, 3:45 पे ही आंसर्स आ चुके हैं सबके, दैट्स गुड, लेट्स मूव टू द राइट आंसर। सो ये आपका आंसर है, सभी लोग आंसर चेक कर लो, फिर मुझे अपने अपने नाम बताना कि किसका कितना सही हुआ, देन आई विल राइट द नेम हियर, ठीक है? सही हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो लाइक करते रहना, ओके? चलो, फर्स्ट का आंसर था सेलेक्टिव ब्रीडिंग, पेरेंट्स विल सेलेक्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनके बच्चों में एक स्पेशल फीचर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टी वो सेलेक्ट करते हैं, कौन? उनके पेरेंट्स, ठीक है? शेयरिंग का मतलब होता है हेयर्स को रिमूव करना शिप से, और स्काउरिंग का मतलब होता है उस रिमूव्ड हेयर को जो शिप के हैं उनको वॉश करना, दैट इज कॉल्ड स्काउरिंग। रीलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकोन, कुकोन से जब वो थ्रेड निकालते हैं वूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रीलिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट करना। हाय काजी, हेलो बेटा, सो यस, समझ में आ गया ये? ऑल राइट, एवरीबडी इज क्लियर? अभी मुझे बताओ कौन कौन सही है। मैं यहाँ कंचन का देख सकती हूँ, अंशिका का देख सकती हूँ, जानवी बता रही है क्लियर, कांची का क्लियर है, सुभाष का क्लियर है, छवि का सब कुछ राइट था, है ना? राखी क्लियर है, प्रज्ञा का हो गया, ज्योति का हो गया, ऋषिका का हो गया, पाकीजा का हो गया, किड्स मस्ती का हो गया,
प्रशांत का क्लियर है, अनन्या का क्लियर है, हिमांशी का राइट है, प्रतिभा का क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का क्लियर है ना, कृष्णा का क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चों का करेक्ट है, तमन्ना का क्लियर है, ऑल राइट, एवरीबडीज आंसर इज क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं फाइबर टू वूल की जर्नी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, होता क्या है बच्चों, जब ये फाइबर टू वूल की जो जर्नी होती है शिप्स की, उस टाइम पे उनकी रियरिंग भी की जाती है, मतलब उनका पालन पोषण भी किया जाता है। अब पालन पोषण किया जा रहा है तो उनको खाने की भी जरूरत पड़ती है, तो जो ऐसे शिप्स होते हैं तो दे फीड ऑन लीव्स एंड समटाइम्स उनको पल्सेस, ज्वर, कॉर्न या फिर ऑयल केक्स भी खाने को दिया जाता है। ऑयल केक्स का क्या मतलब होता है, जो आपकी मस्टर्ड ऑयल होती है ना, तो मस्टर्ड ऑयल निकालने के बाद जो उनका लेफ्ट आउट मटेरियल है उसे ऑयल केक्स कहते हैं, ठीक है। हाय अर्णिमा, उसे ऑयल केक्स कहते हैं। और मिनरल्स, ये सारी चीजें उन्हें एज अ फूड दी जाती हैं शिप्स को उनकी रियरिंग के टाइम पे, है ना। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू सो मच। एंड इन विंटर्स टाइमिंग, ये तो तब है जब समर टाइम है, लेकिन विंटर टाइमिंग में ना उनको बाहर निकाला जाता है फील्ड में, जहां पे वो ड्राई फूडर या फिर ग्रेन्स को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है बच्चे। सो वेरियस काइंड्स ऑफ बुल्स आर देयर, जिसमें लोही, रामपुर बुशेर, नैली, बरखवाल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी बुल्स हैं, जिनमें अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। नीचे यू कैन फाइंड द यू नो पिक्चर की लोही की क्वालिटी वुल की बहुत अच्छी होती है, राजस्थान और पंजाब में ये पाई जाती है, ठीक है बच्चों। एंड रामपुर बुशहर ब्राउन फ्लीस, ब्राउन हेयर्स होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नाली जो है ब्रीड, वो कारपेट वूल्स के लिए होती है, जो कारपेट बनती है ना उनके लिए होती है, ये पाई जाती राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। बखरवाल वुलन शॉल, शॉल जो ओढ़ते हैं ना हमारी मम्मियां ओढ़ती हैं, आपने देखा होगा दादा दादी को ओढ़ते हुए, वो ओढ़ते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है और गुजरात में मारवाड़ी और पठानवाड़ी पाई जाती, जो होजरी और कोर्स वूल के लिए यूज की जाती है। हाय ऋषिका, हाय अनामिका, ओके, ओ कोई बात नहीं, एमडी खत्म तो बाय बाय, हम मिलते हैं कल, ठीक है। हाय अनामिका, हाय बच्चे, सो दिस इज क्लियर माय चिल्ड्रन, डू गिव मी अ थम्स अप अगर ये क्लियर हो गया हो तो। हाय अनामिका बच्चे, हाय हेलो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रियरिंग एंड ब्रीडिंग, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल के बारे में भी समझ लो। सो मुझे बताओ कितना स्टेप्स होते हैं इसमें, स्टेप्स बताओ जल्दी से, कितने स्टेप्स होते हैं। देखो देयर इज अ शियरिंग, जिसमें क्या की जाती है, फ्लीस हेयर्स निकाले जाते हैं, किसकी बॉडी से, शिप के बॉडी से हेयर्स निकाले जाते हैं। देन क्या होता है, वो जो हेयर्स निकाले गए हैं उनको टैंक्स में वॉश किया जाता है, ताकि ग्रीस, डस्ट और डर्ट हट सके उनसे। फिर उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को क्या किया जाए, सॉर्ट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। फिर जो प्लफी से फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम बर्स कहते हैं, है ना, जिन्हें हम बर्स कहते हैं, उनको अलग अलग निकाल के सुखाया जाता है, धुला जाता है। देन जब वो ड्राई हो जाते हैं, उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, स्ट्रेट कॉम्ब रोल किया जाता है यार्न में। तो द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इंटू यार्न, फिर उसको स्पन किया जाता है, वूव किया जाता है, किस में, फैब्रिक में, ठीक है बच्चे। तो ये समझ में आ गया, यस मेरा बच्चा सताक्षी, सिक्स स्टेप्स आर देयर, बिल्कुल करेक्ट, ओके ओके, यस किड्स मस्ती, यू कैन लीव, इट्स इम्पोर्टेंट, देन यू कैन लीव, एब्सोल्युटली, बाय बाय। सो सिक्स स्टेप्स में किया जाता है इनको प्रोसेस, ठीक है। ये देखो हेयर्स हैं, जिनको हम फ्लीश कहते हैं, ये किया जा रहा है शियरिंग, ये की जा रही है स्काउरिंग,
ये की जा रही है कॉम्बिंग और रोलिंग, है ना। सो ये आपके स्टेप्स हैं। चलो नेक्स्ट, उससे पहले आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एवरीबडी हैव डाउनलोडेड अन अकेडमी ऐप। जल्दी से बताओ किसने डाउनलोड किया, किसने किसने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो फटाफट से बच्चों डू डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप इन योर फोन, इंस्टॉल इट राइट नाउ। दिस ऐप शुड बी इन योर फोन। इसमें आपको पेड प्लस सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड प्लस फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस में यू आर गेटिंग इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट, राइट। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आर देयर। मैंने कर लिया, बढ़िया है। नहीं बच्चे प्रशांत, डाउनलोड करने का कोई रुपए नहीं लगता, ठीक है। यस यू आर माई रेगुलर स्टूडेंट अनन्या नामिका। टेस्ट क्विजेस मिलती है एनालाइज करने के लिए आपको, परफॉर्मेंस लाइव वहां पे टेस्ट और क्विजेस परफॉर्म की जाती है। कोर्स स्ट्रक्चर्ड वाइज रहता है, पीडीएफ अवेलेबल कराए जाते हैं आपको। आपको अगर इस पे 10% का ऑफ चाहिए तो आप मेरे कोड को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ब्रज। आइकॉनिक में भी सिमिलर यू आर हैविंग ऑल द प्लस बेनिफिट। प्लस इसमें आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएंगे और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ये चीजें आपकी एडिशनल है आइकॉनिक में, ठीक है बच्चों। इसमें भी 10% के ऑफ के लिए आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, PRACH। ओके स्टूडेंट्स, तो यस दिस इज द प्लान यू कैन गो थ्रू एंड फ्री बेनिफिट्स को अनलॉक करने के लिए आप मेरे कोड को यूज करना PRACH। यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द फ्री बेनिफिट्स देयर। यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से मुझे डू गिव मी थम्स अप, कौन कौन रेडी है फिलअप्स के लिए। हाय बच्चे, कोई बात नहीं आर्यन, कोई बात नहीं। यस अंजुम, डू रिमेम्बर यू। हाय सिद्धार्थ एंड कुणाल, हेलो बेटा। हाय रणवीर, हेलो 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 हेलो। यस माय कोड इज PRACH, रिमेंबर दिस पीपल, यूज द कोड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्री देयर। कोई बात नहीं, किस्मत की, बाय बाय, यू कैन लीव बच्चा। हाय आर्यन, हाय, देखो आई रिमेंबर योर नेम, आई रिमेम्बर योर नेम। डू लाइक द सेशन, एटलीस्ट मेक इट 40 यार, 40 लाइक तो कर ही दो, 40 तो कर ही दो ना पीपल। यू कैन डू इट फॉर मी, आई नो यू कैन डू इट फॉर मी। जल्दी से मेक इट 40, जल्दी से मेक इट 40, एवरीबॉडी मेक इट 40 स्टूडेंट्स। स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल नहीं लगते, दे आर एब्सोल्युटली फ्री प्रशांत, दे आर एब्सोल्युटली फ्री, नो प्राइजेस, नो एनी, देयर इज नो चार्ज फॉर स्पेशल क्लास। हाय तनीषा, हाय बच्चे, तनीषी इज हियर, राइट। जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो एवरीबॉडी। हु ऑल आर रेडी फॉर द सेशन, कौन कौन रेडी है। यस गुड जानवी, वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड। चलो Ready? Let's start. This is your first fill up. इसके बाद we are having true false and then we'll distribute the certificate. ठीक है? चलो. A pile of dash is used for obtaining silk fiber. जल्दी से. A pile of dash is used for obtaining silk fiber. हाय श्रद्धा, हेलो बेटा, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। सिल्क, अ पाइल ऑफ डैश इज यूज्ड, वो बॉटल दे देना बस। हाँ यस, सिल्क सिल्क सिल्क, गुड गुड गुड। Yes everybody, yes I do remember you, pro gamer, I do remember you, silk, hi Siddharth, okay you are Siddharth and Kunal, hi bachche. So pile of kya hoga, a pile of dash is used for obtaining silk fiber, what will be the answer, jaldi se batao, what will be the answer for this, hi Sneha, hi Siddharth, jaldi se, jitne bachche naye ho, fatafat se like kar do, learning and outcome is srishti. The correct answer is cocoon. Cocoon की पाइल से हम क्या करते हैं,
सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करते हैं। कितनी बार बताया सिल्क क्यों बता रहे हो प्रज्ञा राखी गौरव। सिर्फ मुझे स्नेहा का आंसर सही आया था, फिर मुझे आंसर अनन्या ने सही दिया था, अनन्या के बाद अरकम का आंसर मुझे सही आया था, देन पाकीजा का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। वेरी गुड सिद्धार्थ कुणाल, हाय बच्चे, हेलो हेलो हेलो, यस प्रज्ञा बिल्कुल अब आंसर सही कर रहे हो, कुकोन होगा, राखी एंड प्रज्ञा, द करेक्ट आंसर इज कुकोन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यू नो क्या होता है, मोथ एग ले करती है, फिर एग क्या करता है, सिल्कवॉर्म और लार्वा हैच करता है, फिर सिल्कवॉर्म ईट खाती है मलबरी लीफ को और साइज में बड़ी होती है। दिस फेज में दे शेड इनटू फोर टाइम्स, शेडिंग ऑफ स्किन को हम कहते हैं माउल्टिंग, फिर वो कन्वर्ट होता है सिल्कवॉर्म बीइंग स्पिनिंग द वुंड्स, वो कोकून्स को स्पिन करती है, देन दे कन्वर्ट इनटू यू नो फिर कोकून से बाद में उसके सिल्क थ्रेड को निकाला जाता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है, देन फिर ले करती है। तो दिस इज ऑल द होल प्रोसेस ऑफ फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, mostly dash are reared for getting wool. Prashant, मैं हिंदी mostly I use हिंदी Prashant. Mostly I use हिंदी बच्चे, don't worry. Most probably every time I use हिंदी. हमेशा मैं हिंदी use करती हूँ. So don't worry people, I use हिंदी only. चलो. At least बड़ा हमसे 40 like तो बनते हैं यार. 40 like तो कर दो यार. है ना, डू हिट द टारगेट मेरे बच्चों प्यारे प्यारे। यस शिप बता रहे हैं गौरव, वेरी गुड। नो मेंटी नहीं होगी, गौरव का आंसर करेक्ट है। गौरव, पाकीजा, पाकीजा, अनन्या, प्रज्ञा, वेरी गुड, स्नेहा, सृष्टि नहीं आंसर गलत है, ज्योति का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो फटाफट से मेक इट 40 यार, स्टूडेंट्स मेक इट 40, द करेक्ट आंसर इज शिप। इंडिया में ज्यादातर आपको शिप का ही वूल मिलेगा मार्केट में बच्चों, क्योंकि दैट आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है बेटा, बहुत चीपर इन रेट होता है, इसीलिए मोस्टली किसके वूल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, शिप के वूल्स आर अवेलेबल इन मार्केट। सो ये आपको समझ में आ गया। हाय विशाखा, गुड इवनिंग, अब नाउ इट्स गुड इवनिंग है ना, 4 o'clock हो गया, सो नाउ इट्स गुड इवनिंग। हाय विशाखा, गुड इवनिंग, यस किड्स मस्ती, ओके आई विल राइट योर नेम, जस्ट टेल मी योर नेम हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के बारे में बात कर लीजिए, तो दो टाइप के दे आर हैविंग हेयर्स है ना, जो हेयर्स होते हैं उनके दैट कॉल्ड फ्लीश, हम उन्हें फ्लीश बोलते हैं बच्चों। सो यस बच्चा, मारवाड़ी एंड पठानवाड़ी शीप, यस करेक्ट, हिमांशी ओके, प्राची मैडम ओके, यस 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 यस, मैं लिख दूंगी आपका नाम प्राची। सो फर्स्ट वन इज कोर्स बियर्ड हेयर, जो ये आप बाहर आउटर लेयर देख रहे हो दैट इज कोर्स बियर्ड, इसके अंदर जो होता है दैट इज फाइन सॉफ्ट हेयर, वो कहाँ पर होता है, दैट इज क्लोज टू द स्किन ऑफ द शिप, शिप की स्किन से वो क्लोज रहती है, उसे हम कहते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है बच्चे चलो आगे बढ़े। सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ डैश, आपको बताना है ये क्वेश्चन, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। हाय बच्चे सनबीम, हाय बेटा, हाय सोफिया, हेलो, अरे सो मेनी ऑफ यू आर हियर यार, 40 लाइक तो करते जाओ है ना, इतना तो बनता है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस, सो इतना तो बनता है, नो यू कैन डू इट, आई नो यू पीपल कैन डू इट, यस। हाय परी, सिल्क होम, विशाखा का आंसर आ गया, पाकीजा का आंसर आ गया, विशाखा एंड पाकीजा, बबीता का आंसर आ गया है, परी का आंसर, महरोज, अंशिका, सुभाष, अनन्या, ज्योति, आयुषी, अरकम, स्नेहा, राइट, हिमांशी, यस गुड, 100 लाइक्स तो रहने दो, लेकिन 40 तो एटलीस्ट यू कैन हिट पीपल, राइट, सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन।
करेक्ट आंसर, वन सेकेंड, मुझे लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, दैट इज प्रोटीन। मुझे पहले है ना, आपको पता है, लेट मी इरेज द नेम्स हियर सो दैट आपको पता चल जाए क्या आंसर होगा। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर हियर। सिल्क फाइबर जो बनता है, दैट आर मेड फ्रॉम सिल्क वर्म, ये बात करेक्ट है बच्चे, लेकिन उनमें होता क्या है, प्रोटीन से वो बनते हैं, राइट? किससे बनते हैं? प्रोटीन। यस अर्कम, 50 लाइक का एम है, हिट कर दो, ठीक है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो एवरीबडी, सिल्क वर्म्स आर दी डैश ऑफ सिल्क मोथ। फटाफट से, यस महरोज, यू गेव मी द राइट आंसर। यस, सिल्क वर्म्स आर दी डैश ऑफ सिल्क मोथ। यस विशाखा, नाउ यू गॉट इट, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यस, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हाँ सताक्षी, आपका आंसर आया था, आई नो बच्चा, डोंट वरी, आई गॉट योर आंसर। हाय शकील, हाय बच्चे, फर्स्ट एज, साइन अप नहीं हो रहा, क्या साइन अप नहीं हो रहा है बच्चे? कुकोन, सबसे पहले मुझे परी का आंसर आ गया, फिर प्रणव का आंसर आ गया, फिर अंशिका का आंसर आ गया, फिर नूब का आंसर आ गया, फिर कृष्णा का आंसर आ गया, फिर प्रशांत का आंसर आ गया, फिर अरकम और महरोज का आंसर आ गया, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज कैटरपिलर। और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक इंसान का आंसर सही दिख रहा है, नॉट वन, आई विल से किसका दिख रहा है, मुझे एक का नहीं, मैं बताती हूँ, किसका? कृष्णा का आंसर बिल्कुल सही था, कृष्णा के बाद गौरव का आंसर बिल्कुल सही था। दो बच्चे ने मुझे आंसर सही दिया था, गौरव एंड कृष्णा। कृष्णा के बाद प्रज्ञा कंचन का आंसर आ गया है, प्रज्ञा कंचन एंड अक्रम का आंसर आ गया, प्रज्ञा कंचन एंड अर्कम का आंसर आ गया। प्रशांत ने भी आंसर कर दिया, अब सब आंसर करोगे प्रशांत पकीजा, बट जो पहले आंसर किया है वो कैटरपिलर ही सही था, गौरव और कृष्णा ने सबसे पहले मुझे ये आंसर दिया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर ऑफ शिप आर टर्म्ड एज, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है बच्चों, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है कि हेयर को हम क्या कहते हैं, शिप की हेयर को हम क्या कहते हैं। नूब, यू आर सिड इन कुन्नू, नूब यू आर सिड इन कुन्नू, लेट मी नो, ये सही है। फिलीश कहते हैं सबसे पहले पाकीजा प्रज्ञा अर्कम, पाकीजा प्रज्ञा एंड अर्कम, वेरी गुड। कंचन, अनन्या, गौरव, नूब, प्रशांत, जानवी, करेक्ट, अंशिका, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज फ्लीश। हेयर को हम क्या बोलते हैं? हेयर को वी से फ्लीश आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क एंड डैश आर एनिमल फाइबर। मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। अब फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, प्लांट के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, दो टाइप कौन थे, एक था सिल्क, नहीं सॉरी, प्लांट के बारे में आई एम टेलिंग यू अबाउट प्लांट्स। सो प्लांट्स में था बच्चे कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट था, राइट? कॉटन एंड जूट में क्या था, कॉटन वार्म क्लाइमेट चाहिए था, ब्लैक सॉइल चाहिए था, और कॉटन बॉल से एक्सट्रैक्ट करते थे। जूट स्टेम से रेनी सीजन में वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में पाए जाते थे। यहाँ पे आपको एनिमल फाइबर मिलेगा दो टाइप के, एक सिल्क जो कि कुकोन से ऑब्टेन्ड होंगे सिल्क मोथ के, और एक होगा वूल जो कि शिप से, गोट से, याक से, कैमल से, रैबिट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है? चलो, करेक्ट आंसर इज वूल, एंड आई कैन सी एवरीबडी इज आंसरिंग, प्रो गेमर, प्रज्ञा, रितेश, कृष्णा, नूब, रितेश, प्रज्ञा, कृष्णा, सताक्षी, नूब, ओ आई एम सो सॉरी, गेस नहीं कर पाई ना मैम। नहीं बच्चे, अदिति, आई लव यू अदिति, ऐसा नहीं, आई लव यू ऑल, बट मैम मैम इज लिटिल बिट, यू नो,
अनाड़ी इन गेसिंग द नेम्स, आई एम सो सॉरी। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फाइबर की बात करते हैं। सो वूल, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वूल का, सो वही हम बताएंगे आपको। वूल कहाँ से आता है? शिप से, गोट से, याक से और कैमल से। दे बियर हेयर्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे क्या होता है बच्चों? फ्लीश होता है, हेयर्स होते हैं। और आपको पता है हेयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? सो इट ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर और उनको पूरा दिन वार्म रखने का काम करती हैं वो एयर्स। ठीक है बच्चों, सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड। और वूल फाइबर आप ये देख सकते हो एल्पाका से आता है, शीप से आता है, गोट से आता है, एनिमल कैमल से आता है, याक से आता है। अल्टीमेटली दे कन्वर्टेड इनटू वूल, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वूल से। यस यू अटेंड माय डेली क्लासेस प्रज्ञा, प्रज्ञा हो गई, अदिति हो गई, अनन्या हो गई, आन्या हो गई, ये सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका नाम मुझे रट गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर डैश ऑन देयर बॉडी, ये तो बहुत इजी है। अगर वूल जिससे आप निकालोगे वो क्या बियर करती हैं अपनी बॉडीज में? यस हिमांशी हो गई, यस यस पीपल आई नो, फर्स्ट क्लास विद यू मैम। ओ विशाखा, आई होप कि यू लाइक द सेशन, आपको पसंद आए मेरा सेशन। और जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाफट से कर दो यार, मेक इट 44 लाइक होने कम है बस, मेक इट 40, एटलीस्ट मेक इट 40, है ना, एटलीस्ट मेक इट 40, इतना तो कर सकते हो, यू कैन मेक इट 40 एटलीस्ट फॉर योर टीचर, राइट? चलो फटाफट से, जल्दी से एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, है ना, मेक इट 40 जल्दी से प्लीज। यस बेटा, यस सोफिया, करेक्ट बच्चे, यस नूप, गौरव, प्रज्ञा, अर्कम, एवरीबॉडी इज राइट, यस कृष्णा, युषी, प्रज्ञा। अच्छा दिस इज नॉट आईसीएसई सिलेबस टॉपिक बच्चा, दिस इज एनसीईआरटी टॉपिक, है ना। एनसीईआरटी में आपका फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है क्लास 7th में, ठीक है। हाय बच्चा, हेलो हेलो, हु इज सेइंग हाय? हां, हेयर्स हेयर्स हेयर्स, करेक्ट। सो दे बियर्स हेयर्स ऑन देयर बॉडी या फिर फ्लीश ऑन देयर बॉडी, ओके पीपल, द करेक्ट आंसर इज हेयर्स एंड फ्लीश ऑन देयर बॉडी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने ये जब मैंने वूल एक्सप्लेन किया था तो ये बताया था आपको, जिसको याद होगा। यस यू आर राइट प्रशांत, हेयर एंड फ्लीश मैम, बिल्कुल करेक्ट। नो, बिल्कुल करेक्ट माय स्टूडेंट अनन्या, बिल्कुल करेक्ट गौरव, बिल्कुल करेक्ट नूब एंड प्रशांत एंड सुभाष, वेरी गुड। यू आर फ्रॉम यूपी सुभाष, दैट्स वेरी गुड। हेयर एंड कंडक्टर, सबसे पहले प्रज्ञा का आंसर आ गया, प्रज्ञा के बाद अर्कम, अर्कम के बाद कंचन, कंचन, विशाखा, अर्कम, सताक्षी, कृष्णा, नूब, जानवी, अनन्या, प्रशांत, प्रोगेमर, बिल्कुल करेक्ट एवरीबॉडी, द करेक्ट आंसर इज एयर, हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल करेक्ट मेरे बच्चों, वेरी गुड एवरीबॉडी। हेयर क्या करते हैं? दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीलिंग की, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन, जो कोकोन से हम थ्रेड निकालते हैं उसी को हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, दैट कैन बी डन बाय दिस स्पेशल मशीन, मशीन से की जाती है आपकी रीलिंग, ओके। चलो नेक्स्ट, स्पिनिंग की बात की जाए, अब रीलिंग निकालने के बाद क्या करेंगे, सिल्क फाइबर को स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड में ताकि वो सिल्क क्लोथ में वूव किए जा सके, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, आर यू गाइस रेडी फॉर ट्रू फॉल्स? हाय महेश, हाय बच्चा, कौन कौन आ गया यहाँ पे? हाय महेश इज हियर, हाय हाय, हेलो हेलो, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आयुषी, सेम टू यू बच्चा, सेम टू यू नूब, रेडी रेडी रेडी। अच्छा रेडी हो तो मेक इट 40 लाइक यार, इफ यू आर रेडी गाइस मेक इट 40 लाइक, है ना, मेक इट 40 लाइक एंड आर यू रेडी, दिस इज द लास्ट राउंड,
दिस इज द लास्ट राउंड, इसके बाद वी आर हैविंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके बाद यू आर हैविंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। गुड आफ्टरनून आयुष, गुड आफ्टरनून, आई कैन नॉट सी द इंक्रीमेंट इन लाइक पीपल, जल्दी से यार, योर टारगेट वॉज 50 लाइक है ना, योर टारगेट वॉज 50 लाइक, हिट इट यार। बेटा सेशन 4:30 पे खत्म हो जाएगा, 4:30 पे सेशन एब्सोल्युटली एंड हो जाएगा बच्चे, इट्स ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, इट्स ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, तो प्लीज 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 बी देयर, डोंट वरी, सेशन विल एंड एट 4:30, ओके। चलो जल्दी से एवरीबॉडी डू गिव मी थम्स अप फॉर 150 लाइक्स का टारगेट पूरा करो आज, 50 लाइक्स का टारगेट पूरा करो फटाफट से, 36 हो गए है ना, मेक इट 50, आई नो यू कैन डू इट, यू पीपल हैव द पावर। हाँ 17 मिनट अर्का, मतलब एक दो, क्या बात है, एक दो के लिए भी बोलोगे। चलो लेट्स स्टार्ट, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, जल्दी से बताओ। और एक बात बता दूं, सिंथेटिक फाइबर भी है ना, सिंथेटिक फाइबर भी है जो किससे होते हैं, जो केमिकली बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं, दे आर मैन मेड, दे मेड केमिकली, दे आर मैन मेड, और उन्हें हम आर्टिफिशियल वूल, सिल्क आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। उनको कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यू नो, सो दे आर यू नो पॉलिस्टर, आर्कलिक, रेयन, ये सब होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर, बिल्कुल ट्रू ट्रू ट्रू, एवरीबडी इज आंसरिंग ट्रू 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 ट्रू। प्रशांत यू कैन गो एंड सर्च मी देयर, प्राची सिंह है ना, आपको मिल जाएगा मुझे अदर कोर्सेज में मेरी प्रोफाइल, आप साइन इन करोगे अपने मोबाइल नंबर या फिर अपनी ईमेल से अनअकैडमी पे, फिर इट विल आस्क यू अ कोड, तो मेरा कोड डाल देना PRACH, तो कोई भी फ्री जितने भी चीजें होंगी आपको वहां पे एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, एवरीबडी इज राइट हियर, प्रो गेमर कृष्णा, सुभाष, प्रज्ञा, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप, जल्दी से बताओ, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप, जल्दी से बताओ। यस यू हैव डन राइट गौरव, प्रज्ञा, प्रो गेमर, सुभाष, आयुष, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फटाफट से डू लाइक एवरीबडी, जल्दी से यार एवरीबडी डू लाइक द सेशन। यस एवरीबडी, सिल्क क्या हमारे शिप के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है, जल्दी से बताना, सिल्क क्या ऑब्टेन किया जाता है शिप के हेयर से, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ शिप, यस द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, एवरीबडी इज राइट हियर, प्रज्ञा, कृष्णा, मनोज, स्वाति, कृष्णा, प्रज्ञा, हाय स्वाति, आई एम टेकिंग योर नेम बच्चा, हाय स्वाति, सो करेक्ट आंसर इज रॉन्ग, सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोकोन ऑफ सिल्क मोथ से, कोकोन ऑफ सिल्क मोथ से ऑब्टेन किया जाता है सिल्क, ओके बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना शॉल वूवन फ्रॉम द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट, तो जो पश्मीना शॉल्स होती हैं उनको वूव किया जाता है वुल्स में, सो दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कश्मीरी गोट, वो कश्मीरी गोट से ऑब्टेन की जाती है। हेलो रत्नाकर, हाय बच्चे, कुकोन से होता है, बिल्कुल करेक्ट, कुकोन से होता है, थैंक यू सो मच प्रज्ञा, थैंक यू सो मच, हाय प्राची, हेलो, तो फटाफट से लाइक करो यार, फटाफट से मेक इट 50, फटाफट से मेक इट 50 लाइक, सो मेनी स्टूडेंट्स जॉइनिंग नाउ, रत्नाकर एंड एवरीबॉडी, रत्नाकर, प्राची, सभी बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, लाइक करते रहो सेशन को, है ना। प्रो गेमर कंचन, नूब, प्रज्ञा, गौरव, रश्मि, रत्नाकर, सभी का आंसर करेक्ट है, हेलो रत्नाकर, हाय प्राची, हाय रत्नाकर एंड प्राची, वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत, सुभाष, कृष्णा, गौरव, वेरी गुड अर्कम, हाय बच्चे, महेश, हेलो,
यस, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। जो पश्मीना शॉल होती मैंने आपको दिखाई थी, ये कहाँ की होती बेटा? ये कश्मीर में बनाई जाती है, कश्मीरी गोट के, जो कश्मीरी गोट का फ्लीश होता है ना, कश्मीरी गोट का जो फ्लीश यानी कि जो हेयर्स होता है उससे बनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय आयुषी, हाय बच्चे, चलो फटाफट से कीप ऑन इंक्रीजिंग द लाइक, है ना। मेक इट 50, मेक इट 50। आई वॉन्ट कि आप लोग अपनी पावर दिखाओ और फटाफट से लाइक करो। मेक इट 50, हिट द टारगेट, टारगेट इज 50। मैं देखना चाहती हूँ कितने सेकंड्स में आप कंप्लीट कर पाते हो, है ना। आई विल वॉच यू, कितने सेकंड्स में आप कंप्लीट कर जाते हो। ठीक है, जल्दी से। काश 1000 बार लाइक। हाँ, एक ही लाइक करने को मिलता है, बट यू गाइज हैव द पावर टू लाइक द सेशन, है ना। तो फटाफट से प्रशांत, मेरी क्लास होती है 3 PM पे स्टार्ट और एंड हो जाती है जब भी जितना मुझे पढ़ाना होता है मैं पढ़ा के एंड कर देती हूँ, है ना। हेलो मनस्विनी, हेलो रत्नाकर, गुड आफ्टरनून। फटाफट से यार, आई कैन नॉट सी कि बच्चों ने लाइक स्टार्ट किया है करना, ये तो बड़ी गलत बात है। चलो, सिर्फ फाइबर इज केमिकली या प्रोटीन? वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं कृष्णा प्रो गेमर के, प्रशांत के, वेरी गुड, नूब कृष्णा, दादा साहेब, प्रशांत, वेरी गुड, अनन्या कृष्णा, वेरी नाइस, सुभाष, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज टू। हमने अभी पढ़ा था कि सिल्क फाइबर क्या होता है, इट्स अ केमिकली अ प्रोटीन। सिल्क फाइबर एक प्रोटीन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच मनस्वनी, थैंक यू। इफ यू लव्ड इट देन डू हिट द लाइक बटन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कुकोन आर बॉइल्ड, जल्दी से बताओ। फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कुकोन आर बॉइल्ड और नॉट? यस एवरीबॉडी, डू लेट मी नो, फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कुकोन को बॉइल किया जाता है या नहीं? यस मनस्वनी, मनस्वी, स्वाति, जित्राय, प्रो गेमर, आयुषी, अर्कम, प्रज्ञा, वेरी नाइस, रेनू, कंचन, वेरी गुड, वेरी गुड पीपल, यू आर तो सो ग्रेट, है ना। यू आर गाइज आर एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक वन। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। हमें जब भी रीलिंग करनी होगी तो कोकोन को बॉयल करना पड़ता है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने ट्रू बोला है, सही बोला है। जानवी कह रही है, थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू सो मच बच्चे। दैट इज टू योर लव, यू आर सेइंग दिस, दैट इज टू योर लव, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर वर्ड। चलो नेक्स्ट। सो दिस इज लाइक, ओ आई मिस्ड इट टुडे, आई मिस्ड द सर्टिफिकेट, आई एम सो सॉरी माय पीपल, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी माय स्टूडेंट्स, टुडे आई मिस्ड द सर्टिफिकेट्स, बट आई एम गोइंग टू राइट योर नेम्स, तो टेल मी योर नेम्स, आई एम गोइंग टू राइट इट, आई एम सो सॉरी टुडे आई मिस्ड द सर्टिफिकेट्स, आई एम रियली रियली सॉरी, पर मुझे अभी जल्दी से अपने अपने नाम बता दो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी, हाँ बच्चे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं भूल गई, आई एम रियली सॉरी। यस, आप बता दो, मैं आपके नाम लिख दू, प्रज्ञा, अनन्या, ओके, आई एम सो सॉरी बच्चे, बट मैं कल पक्का से पक्का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अर्कम, हिमांशी, अजमेर, आयान, गौरव, तेजस, प्रशांत, प्रो गेमर, आयुषी, ओके, सुभाष, अखिल, है ना, आयान, जानवी, प्रतिभा, अदिति, राज, प्राची, प्रत्यूष, आयुषी लिख दिया मैंने आपका नाम, प्रत्यूष आपका नाम लिख दिया, अदिति का लिख दिया, जानवी, अखिल का लिख दिया, अंशिका का लिख चुकी हूं मैं, अंशिका का नहीं लिखी, अंशिका का, बलराम, ज्योति, मोहित,
राइट। सो जल्दी से फटाफट से लाइक करो सभी लोग। मेरा नेक्स्ट सेशन कल 3 PM पर होता है बच्चों। आई एम सो सॉरी आज मैं सर्टिफिकेट ही ऐड करना भूल गई, बट डू लेट मी आई टेल यू एवरी एवरीबडी आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू ऐड द सर्टिफिकेट्स टुमारो। मैं कल आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। सताक्षी और लेफ्ट हियर, सो सताक्षी ऑल्सो येस। थैंक यू सो मच सुभाष एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। फटाफट से डू लाइक इट, मेक इट 50, एटलीस्ट 50 तो कर दो लाइक। और कोई बचा है, देयर आर टू आयुषी, चलो आयुषी टू आयुषी वन, आयुषी वन ये आयुषी टू, ठीक है क्लियर। यस मैंने लिख दिया, नूब का बचा है नूब, ये लो लिख दिया नाम, लिख दिया हर्ष आपका नाम भी लिख दिया, ठीक है। और कोई बचा है जल्दी से बता दो, लिख दिया मैंने नूब हर्ष सभी का नाम लिख दिया। अभी कोई बचा, इज देयर एनीबॉडी हु लेफ्ट आउट, जल्दी से बता दो यार, इज देयर एनीबॉडी हु इज लेफ्ट आउट या आई विल एंड द सेशन। यस चलो ओके, तो सभी लोग फिर हम कल मिलते हैं 3 बजे। टिल देन बाय बाय एंड सो सॉरी फॉर द सर्टिफिकेट्स, मैं आज I just forgot to add them. I'm so sorry. Bye bye. We'll meet tomorrow at 3 PM. So bye bye and have a great day.